आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की, कि देश के किन किन राज्यों में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना, देश के किन किन राज्यों में बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो यूपी उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में अगले 3-4 दिन भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने की है जारी। देश भर में मानसून छा जाने के बाद अब अगले एक हफ्ते के दौरान उत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पूरे उत्तर भारत में 21 जुलाई तक भारी बारिश होगी, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में यह हालात 23 जुलाई तक जारी रहेंगे। वही मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र जिसमें आता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में आगे भी भारी बारिश यहाँ पर जारी रहेगी। इधर उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यूपी और उत्तरी मध्य प्रदेश में 21 जुलाई तक जबरदस्त बारिश होगी। इसके बाद इन क्षेत्रों में बारिश घटने का अनुमान है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 5-6 दिनों के दौरान पश्चिमी तटों के आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लगातार भारी बारिश यहाँ पर हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के अनुमान है यहाँ पर लगाया गया है। वहीं मौसम विभाग ने आगाह किया है कि इससे बाहर रहने वाले लोगों को और जानवर को यहाँ पर नुकसान पहुँच सकता है, हताहत हो सकते हैं। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 3-4 दिनों का भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी कर दी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 3-4 दिनों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने राज्य में भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। वही मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में बारिश की गति आज बढ़ेगी। अगले 3-4 दिन तक निचले और मध्य पहाड़ी इलाकों में बारिश सामान्य से ज्यादा होगी, इसके कारण यहाँ पर भूस्खलन की संभावना बन रही है। इसके अलावा बिहार में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। इसके अलावा प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश तो कुछ जिलों में सामान्य बारिश होने की उम्मीद है। वही मौसम विभाग केंद्र पटना के अनुसार पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी में भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में सामान्य बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वही मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के कई जिलों में 21 जुलाई तक भारी बारिश होने का अनुमान है। इसमें जयपुर, भरतपुर, कोटा और पूर्वी राजस्थान के हिस्से शामिल है। जयपुर, भरतपुर के इलाकों में 3 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। वही अगले 4-5 दिन तक यहाँ पर बिजली गिरने जैसी घटनाओं की भी यहाँ पर बढ़ने की संभावना है। वही मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून फिर से सक्रिय होने के बाद उत्तर क्षेत्र सहित देश के कई हिस्सों में अगले 6-7 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होगी। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। यहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। अब बात करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम समाचारों की, तो राजस्थान के हड़ौती में छाया है मानसून, कोटा और बूंदी में झमाझम बारिश का दौर है जारी। राजस्थान के हड़ोसी क्षेत्र में मानसून छा गया है। वहीं रविवार को तड़ाके कोटा शहर में समेत पूरे संभाग में बारिश यहां पर हुई है। वहीं कोटा संभागों के लोग यहां पर उठे तो बरसात ने यहां पर स्वागत किया। वहीं सुबह 6 बजे से ही कभी हल्की तो कहीं झमाझम बारिश कोटा मतलब बारिश ने कोटा को यहां पर तरबतर कर दिया है। वही मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बरसात का ये दौर अब जारी रहेगा। वही मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में बारिश का यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। वही कोटा के अलावा झालावाड़, बारा, बूंदी जिलों में भी बरसात का रंग यहां पर जम गया है। वही बादलों की तेज गर्जना के साथ बरसात यहां पर चल रही है। कई जगह पर आकाशीय बिजली भी कड़क रही है। वही चंबल नदी पर पड़ने वाले बांध, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर और जवार बांध के कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश यहां पर होने की उम्मीद है। अब चंबल नदी में भी जल प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है। वही अच्छी बरसात से पूरे हड़ौती के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। इससे धान व अन्य फसलों के यहां पर शेष रही बुआई से भी यहां पर लोगों को यहां पर राहत मिली है, यानी बुआई अब लोग कर सकेंगे। वही मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में परिसंचरण तंत्र के सक्रिय होने के चलते उत्तरी पूर्वी भागों में बारिश होगी। वही मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में यहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। झुंझुनू और सीकर, अलवर और दौसा और भरतपुर जिलों में दो स्थानों पर भारी से अधिक भारी बारिश होने के आसार है। इसके अलावा धौलपुर, जयपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और टोंक में एक दो स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। वही मौसम विभाग ने कल के लिए यहाँ पर जयपुर, दौसा, धौलपुर, करौली में एक दो स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अलवर और भरतपुर, झुंझुनू जिले में एक दो स्थानों पर भारी से अधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। अब बात करते हैं गुजरात राज्य के मौसम समाचारों की, तो गुजरात में तेज हवा के साथ भारी बारिश, सैकड़ों पेड़ गिरे। गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र में रविवार को भारी बारिश की चेतावनी के कुछ घंटों में ही सूरत, वलसाड और आदि शहरों में जमकर बारिश हुई। वहीं गुजरात के मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
इसके कुछ समय बाद ही सूरत में तेज मेघा गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिसके कारण सड़कों में दुकानों में पानी जमा हो गया। वही वलसाड़ में भारी बारिश के कारण गणदेवी बलमेरा रोड पर बने यहाँ पर ब्रिज पर पानी बहने लगा। वही मौसम विभाग ने सूरत, वलसाड़ और नवसारी, वडोदरा, भावनगर, अमरेली और सूरत, जामनगर, भरूच आदि शहरों में भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर दी है। वही सूरत तथा वलसाड़ के अलावा भरूच में भारी बारिश यहाँ पर पिछले 24 घंटों में हुई है। वही तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन यहाँ पर अस्त व्यस्त हो गया है। वही कई क्षेत्रों में पेड़ यहाँ पर उखड़ गए हैं। इधर जामनगर में भी कल शाम तेज यहाँ पर मेघा गर्जन के साथ बारिश यहाँ पर हुई है। वही तेज हवा के कारण करीब 150 पेड़ गिर गए। वही फायर ब्रिगेड तथा SDRF की टीमों को राहत कार्य के लिए यहाँ पर लगाया गया है। इससे पहले सौराष्ट्र, मध्य गुजरात और दक्षिणी व उत्तरी गुजरात में जोरदार बारिश हुई थी। वही राजकोट, आणंद और सूरत व अहमदाबाद सहित करीब 150 तहसीलों में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त गुजरात में हो गया है, लेकिन किसानों के चेहरे यहां पर खिल उठे हैं। वही मध्य गुजरात के आणंद में पिछले 4 घंटों में 173 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे शहर के आसपास के गाँव में पानी भर गया है। वही भारी बारिश में तेज हवा के कारण भारी बारिश हुई है, जिससे आसपास के गांवों में पानी भर गया है। वही भारी बारिश तेज हवा के कारण 100 साल पुराना यहां पर बड़ का पेड़ भी यहां पर गिर गया है। वही बिजली के यहां पर 3 पोल भी गिर गए। वही सूरत के उकाई डैम में 2000 क्यूसेक पानी यहां पर छोड़ा गया है, तथा बांध के जल स्तर पर नियंत्रण यहां पर रख सके। वही इसके लिए छोड़ा गया है। वही पानी छोड़े जाने के कारण तापी नदी का बहाव तेज हो गया है, जिसके कारण कोजवा में 16 और यहाँ पर कोजवा के यहाँ पर 16 से 5 दरवाजे यहाँ पर खोलने पड़े हैं, मतलब 16 में से 5 दरवाजे इसमें खोलने पड़े हैं। इसके अलावा अहमदाबाद, द्वारिका और महसाणा, गांधीधाम में आदि शहरों में भी भारी बारिश हुई है। वही शहरों में जगह जगह पानी भर गया है। वह बाजार वे निचले इलाकों में पानी भर गया है, यानी तालाब बन गया है। वह राजकोट में भी भारी बारिश से रेड क्रॉस रोड और कलवाड़ रोड और आदि इलाकों में पानी भर गया। वही वाहन चालकों राजभोगों से काफ़ी मुश्किल यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा धार्मिक नगरी द्वारिका में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों के लिए। यूपी के कई जिलों में आज भारी बारिश के आसार मौसम विभाग ने जारी किया है रेड और येलो अलर्ट। यूपी के कई स्थानों में आज राहत की बारिश से होने के आसार है। वहीं भीषण उमस और गर्मी झेल रहे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। इसके लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज ये बारिश का सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा, यानी आज भी बारिश यहाँ पर होगी। कल रविवार को बारिश हुई थी, आज भी बारिश होने का सिलसिला जारी रहेगा। वही मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है उसमें लखनऊ और कानपुर, प्रयागराज, फतेहपुर और शाहजहाँपुर और सीतापुर, हरदोई जिलों में यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से ये अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। इसके अलावा बाराबंकी, गोंडा, बस्ती और संत कबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज ये जिले यहाँ पर मुख्य तौर पर शामिल है, इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वही शाहजहाँपुर, बिजनौर और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और बहराइच और श्रीवस्ती और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर में रेड अलर्ट जारी किया गया। यहाँ लोगों को आकाशीय बिजली के प्रति सतर्क रहने की बात कही गई है। वही मौसम विभाग की ओर से यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। वही गर्मी उमस से बेहाल मेरठ में भी आज मौसम राहत दे सकता है। मेरठ और वेस्ट यूपी के कई इलाकों में बारिश का आसार है। बारिश का यह सिलसिला 22 जून तक जारी रहने के आसार है। इसमें भी यहाँ पर 20 को यानी आज और कल यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के मौसम समाचारों की। तो मुंबई में आज ऑरेंज अलर्ट, कोंकण गोवा में रेड अलर्ट, अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की है चेतावनी। मुंबई में अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई शहर और उपनगरीय इलाकों में 3 से 4 घंटे बाद यहां पर कई इलाकों में बारिश होने की संभावना यहां पर जताई गई है। वही मौसम विभाग की ओर से अत्यधिक जोरदार बारिश की चेतावनी यहां पर जारी की गई है। इसके बाद अगले 5 दिनों तक कहीं कहीं अधिक तो कहीं बहुत अधिक बारिश होने की संभावना यहां पर है। इस बीच महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में और गोवा में अगले 24 घंटों के दौरान रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस वजह से किसानों के यहां पर मन में फसलों के नुकसान की चिंता बढ़ गई है। पिछले 6 दिनों से कोंकण में बहुत अधिक बारिश हो रही है, खासकर रत्नागिरी जिले में ज्यादातर इलाकों में यहां पर बारिश तेज हो रही है। ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हुए हैं। वही जिले की नदियां लबालब भर गई है। गोतमी नदी का पानी भी सड़कों पर और घरों में घुस गया है। पिछले कुछ घंटों से यहां बारिश का जोर कम होने की वजह से लोगों को राहत यहां पर मिली है।
इसके अलावा कोंकण में हफ्ते भर मूसलाधार बारिश यहाँ पर हुई है, वह पिछले कुछ घंटों से राहत यहाँ पर मिली है। वही फुनकुस के पास शास्त्री खाड़ी के आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर हो गए। वही खाड़ी के इलाके पूरी तरह पानी से डूब गए हैं। वही 10 से 12 गाँव के किसानों के खेतों मतलब 10 से 12 गाँव के किसान खेतों का काम छोड़कर घरों की ओर भागने लगे हैं। इसके अलावा मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कोंकण गोवा के अलावा मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के लिए अत्यधिक बारिश की यहाँ पर संभावना जताई गई है। वहीं मराठवाड़ा में यहाँ पर आज अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। वहीं कल रविवार को बारिश हुई थी, जबकि बुधवार और मंगलवार और गुरुवार को मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। फिलहाल राज्य में मूसलाधार बारिश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार है। वहीं महाराष्ट्र से कर्नाटक की ओर दक्षिणी पूर्वी और नमी वाली हवाएं यहाँ पर चल रही है, इसलिए वातावरण बरसात के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। वह अगले कुछ दिनों के लिए यहाँ पर बरसात की संभावना कायम रहेगी। इसके अलावा मुंबई शहर उसके आसपास के उपनगरीय क्षेत्रों में रात भर कल यहाँ पर बारिश होती रही। वहीं मुंबई में 192.17 mm बारिश यहाँ पर हुई है। पिछले 12 सालों में जुलाई महीने में अब तक ये सबसे यहाँ पर तेज बारिश थी। एक रिसर्च के मुताबिक मुंबई में बरसने मतलब मुंबई के अंदर बरसने वाले बादलों की ऊंचाई यहाँ पर माउंट एवरेस्ट से भी अधिक थी। वहीं कल रात 11 बजे से यहाँ पर आज सुबह 4 बजे तक मुंबई के अनेक ठिकानों पर 200 mm से अधिक बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की, तो MP में आज बदला है मौसम का मिजाज। कई जिलों में भारी बारिश के हैं आसार। हवा का रुख बदलने के साथ साथ एक बार फिर मध्य प्रदेश का मौसम बदला है। इसके चलते यहाँ पर कल शाम से कई इलाकों में तापमान में गिरावट और झमाझम बारिश यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं आज सुबह भी कुछ इलाकों में जमकर यहाँ पर बारिश हुई है। वहीं ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आगामी 48 घंटों में मध्य प्रदेश में एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं बिजली चमकने और गिरने के साथ साथ येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में हवा का रुख दक्षिणी पूर्वी हो गया है। ऐसी मतलब ऐसे में रफ्तार तेज होने से नमी बढ़ने लगी है। वहीं मानसून रबी सागर गुना रतलाम से होकर गुजर रही है। इसका प्रभाव ग्वालियर चंबल के ऊपर है, इसी कारण हवा में पर्याप्त नमी मिलने लगी है। वहीं यहाँ पर 20 जुलाई को यहाँ पर आसपास एक नया क्षेत्र यहाँ पर बनने की संभावना।